मंगलवार की रात डकैती की योजना बना रहे चार युवकों को निमचा के जंगल से धर दबोचा था रानीगंज थाने की पुलिस ने। बुधवार को फिर एक बार डकैती की योजना कर दिया विफल। इस बार रानीगंज के बख्तार नगर जाने वाली सड़क पर कुमार बाजार गैस गोदाम के सामने रात करीब 10 बजे लूट की योजना बना रहे 10-12 लोगों की झुंड पर ढाबा बोलकर लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में ही कहीं छिप गए बाकी बदमाश। इनके नाम है 28 वर्षीय मोहम्मद कलीम उर्फ छोटू, 23 वर्षीय मोहम्मद रहीम उर्फ बारा को, 25 वर्षीय शौकत खान उर्फ शौकत तथा 25 वर्षीय बिट्टू शेख, और ये सभी आरोपी रानीगंज के रोनाई के नबी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने कई धारदार हथियार, लोहे की छड़े, लाठी, लोहे के पुर्जे और नायलॉन की रस्सी बरामद की। इस गिरफ्तारी से किसी बड़े घटना को अंजाम देने से रोक दिया पुलिस ने। रानीगंज से वसीम खान की रिपोर्ट। क्या आप ऑनलाइन क्लास करके जॉब करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो? केवल 3 महीने कोर्स के बाद जॉब की गारंटी, और हाँ, नौकरी नहीं तो कोर्स फी वापस। हाँ मेरा फ्रेंड, ये बिल्कुल 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 100% पॉसिबल है। अपना हायर सेकेंडरी या तो फिर ग्रेजुएशन पास करके घर में बैठे हुए कोई अच्छा नौकरी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रोफेशन में, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो इनकम होता है वो चालू ही होता है 15,000-20,000 तनख्वाह से। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, घुमाइए नंबर, क्योंकि फार्मा हेल्थ एकेडमी है एक नंबर।